लक्ष्मी एंड वेलकम बैक टू द वेडिक एलिमेंट सीरीज एपिसोड नंबर 3। तो आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है शॉपिंग बजट टिप्स फॉर ब्राइड, क्योंकि शॉपिंग हर ब्राइड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो हर ब्राइड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टिप नंबर 1 इज शॉपिंग ऑन टाइम। वैसे तो शादी 3-4 दिन का ही इवेंट होता है, लेकिन उसकी तैयारी हमें बहुत पहले से शुरू करनी पड़ती है। तो इसीलिए ब्राइड की जो शॉपिंग होती है वो आप 2-3 महीने पहले ही शुरू कर दें, ताकि ब्राइड के पास सोचने के लिए और चॉइस करने के लिए इनफ टाइम हो। इसका मतलब ये नहीं कि शॉपिंग आप बहुत पहले से कर दें, बिकॉज ट्रेंड बदलते रहता है, तो आपने की हुई शॉपिंग शादी होने तक आउटडेटेड ना हो जाए। टिप नंबर 2, डू योर होमवर्क। सबसे पहले आपकी शादी में कितने फंक्शंस होने वाले हैं और आपको कितने आउटफिट्स की जरूरत है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। एंड उसके बाद आप शादी में किस तरीके की वेडिंग ड्रेस पहनना चाहते हैं, उस पर जो मेकअप रहेगा, ज्वेलरी रहेगी, और काफ़ी तरीके के आइडियाज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। उस सारे आइडियाज़ आप अच्छे तरीके से सर्च कर लें। एंड उसी के साथ साथ जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा होगा उसके बारे में भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नेट के ऊपर मिल जाएगी, वो भी आप अच्छे से सर्च कर लें कि जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक आप अपनी वेडिंग ड्रेस चुन सकती है। टिप नंबर 3, सेट योर बजट। शॉपिंग पे जाने से पहले अपना बजट जरूर सेट कर लें। आप चाहे तो मेकअप, ज्वेलरी, आउटफिट, एक्सेसरीज या फिर फुटवेयर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में अपना बजट सेट कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज़ पे आप कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। और उसी के हिसाब से शोरूम में जाके आप वेंडर को अपना बजट बता सकते हैं और वेंडर भी आपको उसी के रेंज में आपकी चीज़ें बता देगा। टिप नंबर 4, गेट योर ओन मेकअप किट। ब्राइड अपने मेकअप के लिए अपने प्रोडक्ट खुद चुन सकती है। इससे क्या होगा, खरीदा हुआ सामान ब्राइड के पास ही रहेगा और उसी सामान में से अगर ब्राइड मेकअप करती है तो जो मेकअप आर्टिस्ट रहेंगे उनकी फीस भी कम हो जाएगी। तो और शादी के बाद आपको किस मेकअप प्रोडक्ट की जरूरत है, किस स्किन केयर प्रोडक्ट की जरूरत है, उसकी लिस्ट आप पहले से बना लें और उसी के हिसाब से शॉपिंग करना स्टार्ट करें। इससे क्या होगा, आपकी जो फिजूल के खर्चे रहेंगे वो बच जाएंगे। टिप नंबर 5, रेप्लिका लहंगा। जरूरी नहीं है कि आप अपनी शादी में महंगे से महंगे डिजाइनर का ही जोड़ा पहने, बिकॉज ब्रांडेड जोड़े के बहुत सारे रेप्लिकास आपको अभी मार्केट में अवेलेबल मिलेंगे। सो भुवनेश्वर से लेके हिंदू माता मार्केट तक आपको बढ़िया से बढ़िया लहंगा अवेलेबल होगा, वो भी आपके बजट में। और अगर इससे भी कम बजट में आप अपनी शादी का जोड़ा बनाना चाहते हैं तो आप अपने माँ का या फिर अपने सास के शादी के जोड़े को टचअप देके उसे अपनी शादी में पहन सकते हैं, बिल्कुल जैसे करीना कपूर ने पहना था। या फिर आप लहंगे की जगह पे साड़ी भी पहन सकते हैं। लहंगा तो आपका बार बार यूज होगा नहीं, लेकिन साड़ी आप बाद में भी पहन सकते हैं। सो टिप नंबर 6, ज्वेलरी ऑन ट्रेंड। कई सारे ब्राइड हजारों की आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदती है और उस ज्वेलरी को शादी के बाद सिर्फ अलमारी में ही बंद रखती है। तो इस फिजूल के खर्चे से बचने के लिए आप वेडिंग ज्वेलरी जो होती है वो रेंट पे खरीद सकते हैं, बिकॉज रेंट पे आपको बहुत ज्यादा वैरायटी अवेलेबल होती है और वो भी कम से कम दाम में। टिप नंबर 7, कीप योर आई ऑन सीजन, टाइम एंड मेन्यू ऑफ द वेडिंग। आपकी शादी किस मौसम में होने वाली है, कौन से टाइम पे होने वाली है, या फिर बैंक्वेट में होने वाली है या फिर आउटडोर होने वाली है, इन सबका ख्याल रखते हुए ही आपको आउटफिट और ज्वेलरी चॉइस करनी है, बिकॉज आप हर मौसम में हेवी आउटफिट या फिर ज्वेलरी नहीं पहन सकते। तो आपका लुक आपको इन सारी बातों को ध्यान में रख के ही तय करना है। टिप नंबर 8, नो कॉम्प्रोमाइज विद फिटिंग। शादी के एक हफ्ते पहले ही आप अपने सारे आउटफिट टेलर से रेडी करवा लें, ताकि आप उनका ट्रायल कर सके। और अगर आपको फिटिंग में कुछ गड़बड़ लग रही है तो टाइम रहते ही आप अपने टेलर से अल्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि अन टाइप पे कोई गड़बड़ ना हो। शादी में आपको बहुत लोगों के पैर छूने होते हैं, बहुत ज़्यादा रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग पोज में फोटोज भी खींचने होते हैं, तो आउटफिट की परफेक्ट फिटिंग होना बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 9, राइट लॉन्जरी। जितना इम्पोर्टेंट सही आउटफिट का होना है, उतना ही इम्पोर्टेंट सही लॉन्जरी का होना भी है, बिकॉज आपके आउटफिट का लुक लॉन्जरी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसीलिए आपके आउटफिट के हिसाब से ही आप ब्रालेट खरीदें, जो सेक्सी होने के साथ साथ फिटिंग की भी हो और आपको कंफर्टेबल भी हो। तो यहाँ पे तो आप थोड़ा बहुत खर्चा कर ही सकते हैं। टिप नंबर 10, कंफर्टेबल फुटवेयर। शादी के दिन आप जो भी फुटवेयर पहने, बस इतना ध्यान रखिए कि वो फुटवेयर कंफर्टेबल हो। इसीलिए शॉपिंग करने से पहले अपनी फेवरेट हील्स को कई घंटों तक पैर में पहन के देखिए, ताकि आपको अंदाजा आए कि किस टाइप की हील्स आपको रस्मों में पहननी है और कितनी ऊंची हील्स आपके लिए कंफर्टेबल रहेगी। सो गाइज, ये थे मेरे 10 ब्राइडल टिप्स। आई होप आपको हेल्पफुल लगे होंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और इसी के साथ साथ मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर आपने सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।